बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय मित्रों, हम इस समय पर जो है ईस्वी सन 2017 का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ईस्वी सन का मतलब है ईसा मसीह का जन्मदिन, जो विक्रम संवत से 57 वर्ष पूर्व 57 वर्ष बाद में प्रारंभ हुआ। 57 वर्ष बाद में जो है यह प्रारंभ हुआ। यह विशेष करके जो है ईसा मसीह ईसाई लोगों का उत्सव है, ईसाई लोगों का जो है सन माना जाता। किंतु आप सबके जो है उत्साह को जो है हम भंग नहीं करना चाहते, इसलिए जो है हम आपको संवत 2017 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपका जो है 2017 संवत्सर बहुत मंगलमय हो, सभी प्रकार से जीवन में उत्कर्ष, धन धान्य, कामयाबी लेकर के आए। किंतु हम लोग तो जो है भाई, विश्व की सृष्टि जब से हुई है, विश्व की सृष्टि जब से जो है तो ब्रह्मा जी ने की है, तब से जो है उस तिथि को, उस बार को, उस पक्ष को जो है हम लोग मनाते हैं। और यह जो है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ था। तभी से जो है हमारा राजा विक्रमादित्य के अनुसार विक्रम संवत्सर भी प्रारंभ होता है और उसी को जो है हम लोग मनाते हैं। किंतु आप लोगों का उत्साह है, आप लोग जो है सन को महत्व देते हैं, ईस्वी सन को महत्व देते हैं, क्योंकि आपकी दिनचर्या, आपके ऑफिस आदि के सारे कार्य, सारा लेन देन सब जो है इसी तारीख के अनुसार जो है होता है। इसलिए जो है चलिए इस सन की जो है आप सबको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आते हैं अपने विषय में। इस समय पर हम मंगली के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इस समय पर हम लोग जो है मेलापक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने जो है मेलापक की चर्चा के दौरान एक बात जो है आपसे कही थी कि आप सब जो है निसंकोच, बिना भय के, बिना शर्म के, बिना संकोच के, बिना झिझक के ज्योतिषी के पास जाएं और एक बात जरूर पूछें, जिसे हम पूछना अक्सर भूल जाते हैं। विधुर और वैधव्यो, जो मेलापक का अभिन्न अंग है भाई, मेलापक में केवल जो है अष्टकूट मिला लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अष्टकूटों का मिलान केवल 50% या हम उसे कहें कि केवल जो है 25% ही जो है अष्टकूटों का मिलान जो है माना जाता है। शेष मिलान तो जो है हमें लग्नेश को देखना चाहिए, पंचमेश को देखना चाहिए, सप्तमेश को देखना चाहिए, भाग्येश को देखना चाहिए, तथा जो है नौमांशेश का भी विचार कर लेना चाहिए। यदि हम इन सब का जो है विचार सम्यक प्रकार से कर लिया और ये सब है अनुकूल है, कोई पाप प्रभाव में नहीं है, तो समझिए कि कुंडली का मिलान हो गया। किंतु हमें जो है इस अभिन्न अंग को भी नहीं भूलना चाहिए, विधुर और वैधव्य। और बिल्कुल जो है बिना झिझक होकर के, बिना संकोच के हमें ज्योतिषी से यह प्रश्न करना चाहिए कि भगवान यह बताएं कि हमारी बालिका के या बालक की जन्मपत्री में कोई विधुर है वैधव्य योग तो नहीं। डरे नहीं कि कहीं कुछ गलत बता दिया तो हम क्या करेंगे भाई। इसके लिए शास्त्र में अनेकों उपाय बताए गए हैं, अनेकों साधन बताए गए हैं। जैसे हमारी बालिका अगर जो है वैधव्य योग प्राप्त है उसकी जन्मपत्री में, तो उसके लिए जो है हम दीर्घायु वाले वर का जो है चयन करें, आयु की गणना करवाएं और फिर उसके साथ में जो है तो विवाह करें। अर्थात विवाह से पूर्व हम अपनी बालिका का कुंभ विवाह भी करा सकते हैं, अर्क विवाह भी करा सकते हैं, द्रोम अश्वत्थ के साथ में भी विवाह करा सकते हैं, देव प्रतिमाओं के साथ में भी विवाह करा सकते हैं। विवाह से पूर्व यह सब कार्यों को संपादित करके
पश्चात जो है तो उनका विवाह करना चाहते हैं, जिससे जो है दोनों का दाम्पत्य जीवन जो है सुखद होगा। तथा जो है वर के लिए यद्यपि जो है शास्त्र में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है, किंतु जो है नवीन ज्योतिषियों ने जो है इसका भी उपाय ढूंढ लिया। वधु के समान ही जो है एक आटे की, बेसन की, मिट्टी की या कुश की एक पुतली बना करके और उसके साथ में जो है विवाह से पूर्व विवाह कर देते हैं, या स्त्री जातक फल के साथ में विवाह करके और फिर जो है उनका विवाह करते हैं, तो इन सबका जो है दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाता है। हमें फिर पश्चात जो है ज्योतिषी के पास भागने की आवश्यकता नहीं होती है कि महाराज जब से जो है हमने विवाह किया है तब से जो है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या परस्पर जो है तो विवाद हो रहा है, सामंजस्य नहीं बन रहा है, ये सब जो है तो हमें फिर बाद में दिखवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जो है विवाह से पूर्व ही इन सब बातों का सम्यक प्रकार से जो है हम विचार कर ले आए। देखिए हम अपने जो है मेन विषय में आते हैं, जैसे विदुर योग के लिए जो है या वैधव्य योग के लिए शास्त्र में कुछ व्यवस्थाएं बताई हैं, कुछ नियम बताए हैं, उन नियमों को जो है हमें जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा बालक जो है कन्या लग्न का हो और लग्न में यदि सूर्य बैठा हो तो यह विदुर योग प्रदान करेगा, तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारा बालक कहीं कन्या लग्न का तो नहीं है, या कन्या लग्न का बालक हो और लग्न में सूर्य हो और सप्तम में मीन का शनि हो तब भी जो है यह विदुर योग प्रदान करेगा। अर्थात या मीन लग्न हो हमारे बालक की और लग्न में जो है तो शनि हो तब भी जो है यह विदुर योग प्रदान करेगा। इसी तरह से हमें सप्तमेश का भी विचार करना चाहिए कि हमारे बालक की कुंडली में कहीं सप्तमेश जो है अस्त तो नहीं, कहीं नीच राशि में तो नहीं पड़ा है, कहीं जो है यह पापक ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं है, पाप ग्रहों से युक्त तो नहीं है, पाप ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है। तथा जो है शुक्र कहीं ऐसा तो नहीं कि मिथुन का, कन्या का, धनु का, मीन का होकर के सप्तम में बैठा हो और पाप ग्रहों के साथ में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तब भी यह भी धुरियोग प्रदान करेगा। इसी तरह से जो है हमें चंद्रमा से भी विचार करना चाहिए, जैसे हम लग्न से विचार करते हैं उसी तरह से हमें चंद्रमा से भी विचार करना चाहिए। चंद्रमा से जो है सात आठ स्थान में कोई पापक ग्रह तो नहीं है, चंद्रमा पाप प्रभाव में तो नहीं है, चंद्रमा क्षय तो नहीं है, नीच तो नहीं है, अस्त तो नहीं है और अस्त हो करके कहीं है पाप प्रभाव में तो नहीं है, इस बात का भी जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि राहु जो है हमारे बालक की जन्मपत्री में सप्तम भाव में हो और दो पापक ग्रहों से ग्रस्त हो, दो पापक ग्रहों से देखा जाता हो तो जो है विदुर योग प्रदान करेगा। राहु मेष या वृश्चिक का होकर के यदि अष्टम में हो या द्वादश भाव में हो तो ये विदुर योग प्रदान करेगा। और यदि जो है इस तरह के योग मिले तो हमें जो है वैधव्य योग वाली कन्या से, देखिए सीधी सी बात है, आप सोचते होंगे कि भाई जो है तो विदुर योग वाले का विवाह वैधव्य योग वाले से कैसे हो जाएगा। अरे भाई इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों दीर्घायु हो जाएंगे, अगर दीर्घायु नहीं होंगे तो विदुर योग और वैधव्य योग कैसे प्राप्त होगा। इसलिए जब दोनों दीर्घायुओं का समावेश हो जाएगा तो दाम्पत्य जीवन जो है तो दीर्घमय हो जाएगा और सुखद हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसी तरह से जो है हमें बालिका की कुंडली में भी विचार करना चाहिए कि अष्टमेश और सप्तमेश का कहीं अन्योन्य योग तो नहीं है, मतलब एक दूसरे की राशि में तो नहीं बैठे परस्पर, और कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है, पाप दृष्ट तो नहीं है, यदि ऐसा है तो वैधव्य योग प्रदान करेंगे। तथा शुक्र से 6, 7, 8, 12 स्थान में कोई पाप ग्रह तो नहीं है, वह शुक्र जो है पाप ग्रहों के मध्य में तो नहीं है, कई सप्तम भाव जो है पाप कर्तृ योग से ग्रसित तो नहीं है। भाई सप्तम भाव में यदि राहु हो, अष्टम में शनि हो और षष्टम में मंगल हो तब भी जो है यह वैधव्य योग प्रदान करेगा। तथा यदि जो है गुरु या शुक्र, देखिए
बालक की कुंडली में जो है तो शुक्र और बालिका की कुंडली में गुरु यदि सप्तम में हो और पाप प्रभाव से पीड़ित हो तो जो है ये विधुर या वैधव्य योग प्रदान करेगा। अर्थात यह बात में जो है मैं कहना चाहता हूं कि हमें यह जो है ज्योतिषी के पास जाकर के सम्यक प्रकार से विचार करना चाहिए। यदि कोई नीच ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो और दो पाप ग्रहों से ग्रस्त हो या दो पाप ग्रहों से दृष्ट हो तब भी जो है यह वैधव्य योग प्रदान करेगा। या कोई क्षीण कमजोर पापक ग्रह सप्तम भाव में बैठ जाए और दो पाप ग्रहों से जो है तो दृष्ट हो तो वैधव्य योग प्रदान करेगा। अष्टमेश यदि पापांश में होकर के और पाप दृष्ट पापावलोकित होकर के यदि सप्तम में बैठ जाए तब भी जो है यह वैधव्य योग प्रदान करेगा। अर्थात यह बात सिद्ध हो जाती है कि हमारी बालिका की कुंडली में बालिका की जन्मपत्री में सप्तम भाव अष्टम भाव और द्वितीय भाव ये पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए। यदि ये पाप प्रभाव में है तो इनका विवाह विवाह से पूर्व जैसे मैंने पहले बताया कि कुंभ विवाह अर्क विवाह द्रुत विवाह प्रदीप प्रतिमा के साथ में विवाह करा करके पश्चात जो है तो दीर्घायु वर के साथ में विवाह करना चाहिए। किंतु तो इन सब बातों के साथ में जैसे हम कन्या देखने जाते हैं तो हमें यह बात का भी ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहता है कि कन्या जब हम देखने जाएं तो कुल खानदान के साथ में रूप रंग तो देखें ही साथ में यह बात का भी ध्यान रखें कि रोमा शरीरे जदुच्च नाभि यदि उसके शरीर में जो है बहुत अधिक बाल है तो वह कन्या अनुकूल नहीं है और नाभि उठी हुई है तो वो ठीक नहीं है। अदृश्य श्यामम अधर माने कहते हैं ऊंट को ये नीचे वाली नीचे वाला जो ऊंट है ये काले रंग का तो नहीं है कहीं। हाँ, ये ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भ्रम कर जाएं वो लिपस्टिक की काली लगाई लगाई वो तो यह भी ध्यान देना चाहिए। यदि अधर श्याम है तो वो योग्य नहीं है। यदि निद्रा तथैव आंखों में नींद सी सनी हो सदा जो एक नशा सा छाया हो तो वह ठीक नहीं है। बधिरा तथा वो किसी की बात को सुनकर के अनसुनी करने का स्वभाव हो उसका तो वह भी ठीक नहीं है। कहते हैं ऐसी कन्या यदि राजा की भी हो तो उसका विवाह नहीं करना चाहिए। ततो न ब्याहि यदि राज कन्या तो देखिए कुल खानदान यह सब जो है गोत्र आदि का विचार करके और जो है तो विधुर वैधव्य योग का विचार करके हमें नवमांश पंचमेश लग्नेश भाग्येश इन सब का विचार करके गुण को मिला करके सम्यक प्रकार से जो है तो वर वधु के दाम्पत्य जीवन का जो है तो चयन करना चाहिए। हम जो है भावी दाम्पत्य जीवन की जो है तो निर्माता इस बात का जो है हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बिना संकोच के बिना डर के बिना भय के ज्योतिषी से प्रश्न करें और सम्यक प्रकार से मिलान करें। ठीक, मैं अपनी वाणी को जो है यही विश्राम देता हूं। जब कभी अवसर मिलेगा तो और भी जो है विषयों पर चर्चाएं होंगी। मित्रों जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।